हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के फिजिकल साइंस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिफ्थ चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बारे में आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स आता है फर्स्ट, उसके बाद ये तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टोटली 8 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 4 और हैं, और यहाँ से मल्टीपल चॉइस आता है, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ मतलब ये होता है। और यहाँ पे हमारे इतने MCQ हैं, और उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद सगेस्ट प्रोजेक्ट वर्क। तो आई थिंक वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली, हम लोग यहाँ तक देखेंगे, इसमें ये भी दोनों देख लेंगे, क्योंकि बहुत लोग होता है कि मतलब कि कुछ और भी ज़्यादा मांग लेते हैं, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, और इस चैप्टर में अबाउट द, ये जिन्होंने भी इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन जुटाया है या कुछ भी उन्होंने इसकी खोज की उनके बारे में ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो आता है हमारा लर्न आउटसाइड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में मतलब कि हमारे कितनी जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डैश है, ठीक है, 30 पैराग्राफ्स है, लाइक दैट इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पे आते हैं हमारे कीवर्ड्स, ओके। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं, और ये रहा हमारा पहला कीवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद ये आता है, ओके, फिर ये आता है, नेक्स्ट ये आता है, उसके बाद ये, ओके, उसके बाद आता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ तक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कीवर्ड्स हो गया हमारे, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको एक बार ये दिखाना चाहिए मुझे, और मैंने ये तो क्वेश्चंस में नहीं है, बस ये माइंड मैपिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा आइज का स्ट्रक्चर होता है ऑफ द ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर वो ऐसे होता है। मैं एज ए नॉर्मल ये टेक्स्ट बुक में नहीं, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन टेक्स्ट बुक, आई जस्ट शो यू फॉर योर नॉलेज, अबाउट योर नॉलेज, ओके। ओके नेक्स्ट चलते हैं, और ये भी दिखा देता हूँ माइंड मैपिंग के लिए, ठीक रहेगा। ये आइज है और ये कलर है, तो पहले ये नॉर्मली आता है हमारा आइज में, ये ऐसे ये कलर का छोड़ देते हैं यहाँ तक, इधर करिए, ओके। फिर से ये आता है, मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिखे, ओके। नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट, और ये हमारा रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम तीन ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, ये दिस क्वेश्चन इज नॉट इन टेक्स्ट बुक, सो इज दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर रिविजन योर नॉलेज, अबाउट योर नॉलेज, सो जस्ट आई ट्राई टू शो यू,
because it's a very important to your knowledge. Everyone remember that. What is the function of lens in your eyes? Okay, the second question is, how does it help to see object at long distance and a short distance? You just remember that. 1, 2 and 3, 4, fifth. This five question is very, very important. Everyone remember this, okay? चलिए अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट बुक के लेसन पे, और ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन है। आप अपने टेक्स्ट बुक से मैच कर सकते हो, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर आवर टेक्स्ट बुक, ओके। एंड दिस इज हाउ डू यू करेक्ट आईज डिफेक्ट माइनोपिया, ओके। एक्सप्लेन द माइनोपिया यूजिंग डायग्राम, ओके। आंसर हुआ हमारा और ये डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे भी है क्वेश्चंस का आंसर, यहाँ पे भी है, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी है। ये डायग्राम हुआ और ये हुआ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, और ये शायद सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, यहाँ पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ, और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आता है हमारा ये आंसर आता है, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और ये थर्ड क्वेश्चन का ही आंसर है, कुछ ऐसा है, ओके। नेक्स्ट, और ये नॉर्मली ऐसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी है, नेक्स्ट छोड़ दें, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे भी है कुछ क्वेश्चंस, ठीक। और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, ओके। और ये फिर डायग्राम है, जैसे ये ऐसा है, ओके। और ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, फिफ्थ का एक्टिविटी वन है ये, और ये एक्टिविटी टू है, ठीक है, ओके। और ये सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। दिस इज अ ओवर, नेक्स्ट। और ये सेवन एट क्वेश्चन है, सेवेंथ का भी है और एट्थ का भी है, ये सेवेंथ और ये एट्थ, ओके। और ये आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट का, ठीक है, डायग्राम ही है दोनों, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे भी है, उसके बारे में बताया गया क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्शन रे, ऐसे कुछ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और ये दूसरा का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, और ये थर्ड का है, ओके। फोर्थ चलते हैं, और ये फोर्थ का आंसर है, ओके। और ये आता है हमारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पे छः हैं, और ये आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट लेते हैं। और ये सिक्स्थ का मैंने बोला था जैसे एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट का ये आंसर है, मैं जो सबको शो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे भी है थोड़े से, ओके। और ये सेकंड का है कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट, रिफ्यू क्यू वन नंबर थ्री इन द फर्स्ट, ओके। ये फर्स्ट में ही पूछे, ठीक है, रिफ्यू क्यू पेज नंबर थ्री ऐसे पूछे, आई डोंट नो बट ऐसा पूछे, ठीक है, मैं बताता हूँ। नॉलेज में ये आंसर दिया है कहीं, ठीक है। और ये देख लेते, थर्ड देख लेते हैं। और ये थर्ड में है हमारा ऐसे ही है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ये, ओके। उसके बाद आता है ये हमारा फोर्थ का सिक्स प्रोजेक्ट वर्क, और ये हमारा पहला रहा, और ये हमारा मैपिंग डायग्राम है कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है ये सेकंड का आंसर, और ये रहा कुछ इतना सा, ओके। और ये रहा हमारा थर्ड, और ये रहा फोर्थ, ठीक है, ये हमारा फोर्थ हुआ। और एक्टिविटी भी है, आप जस्ट देख लो एक्टिविटी भी क्या करेंगे, क्या पता आ जाए, ठीक है। एक्टिविटी भी देख लो एक बार आप, और दूसरा भी एक्टिविटी देख लेते हैं, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ है, थिंक कैंड डिस्कस वन मार्क क्वेश्चन, ये हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे टेस्ट बुक में ये एक्टिविटी तो मैंने ज़्यादा ही दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन से चाहिए, अगर आपको इफ़ यू वांट टू मोर क्वेश्चन से अबाउट दिस टॉपिक फॉर प्रैक्टिस, सो यू कैन कमेंट में, कैन मेक वीडियो अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। और हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, लेकिन मैंने एक्टिविटी भी दिखा दिया था जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने दिखा दिया कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे एक्टिविटी चाहिए, तो इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो था फिफ्थ चैप्टर वीडियो कम्प्लीट हो गया है, और मैंने सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बना दूंगा उसके ऊपर, लेकिन फिफ्थ चैप्टर बहुत जरूरी था, किसी को मतलब कि किसी ने कॉमेंट किया था मुझे उन्हें चाहिए थे, इसलिए मैंने इस फिफ्थ चैप्टर को बनाया है, बहुत पहले बना दिया। और बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकेंड चैप्टर सिक्स चैप्टर क्वेश्चन के बारे में, आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो तक ले जाएंगे दोस्तों।